बचा लियो, चाचा ने बचा लियो, ताऊ ने बचा लियो, भैया ने बचा लियो, बहन ने बचा लियो, भाभी ने बचा लियो, नंदन ने बचा लियो, जेठौनी ने, द्योरनी ने बचा लियो, बुआ ने बचा लियो। समझ में आ जाता है कि नहीं? छोटा परिवार और दुख अपार। पूछ के देखो उन्हें जिनके एक एक बालक है, एक छोरी है एक छोरा है, धौंस मार रहे बालक। हमारी मर्जी, जो मर्जी हो रहे हैं, मरने की धौंस दिखा में हाथ जोर खड़े जाए माँ बाप, लुटे से भागे। और फिर मिलकर हरा माँ बाप ने टेंशन तनाव, और लास्ट में फिर उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दें। ए भैया न्यो कह रहे भाई कौन कौन कमावे कौन त्यावे कमाने को, वो न्यो बताओ जब आठ आठ दस दस बालक है, कस को बाप और कस की मार रही वृद्धाश्रम में, बता दो चैलेंज कर कोई भी आदमी, 55 वर्ष की उम्र हमारी होगी, जिनका आठ आठ दस दस ही रहो, जिनका सुविधा न ही रहने को, जिनको खाने को अनाज भी कम होगो, वो भी अपने माँ बाप घर में रखे। आज कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ गई जी, कम खराब है गो, रेट तो आज गई है और जाएगी आगे। सगरे रिश्ता खत्म है, चाचा है काई को, जब एक ही छोरा है, तुम्हारा जब छोरा होगा वह चाचा और ताऊ मिलेंगे, वह भुआ को प्यार मिलेगा, वह चाची और ताई मिलेगी न मिलेगी, कौन तो मिलेगी, रिश्ता तो है ही न, खत्म कर दिए सगरे। अगर जापो हो जनौनी को तो बहन आवे, भुआ आवे, नंद आ जाए, जेठौनी आ जाए, देवर आने जाए, कौन आवेगी, अब है ही ना कोई तुम्हारा, करा के लो फसिया जाल में। और सुन ले परिणाम, आज बड़े बूढ़े की हालत खराब है रही है, ओल्ड एज होम, पहले कोई तो ना जाओ, आज जा रहे। और समस्या कहानी आ गए, एक एक परिवार जब ऐसे ही सिंगल रह जाएगा तो ये बालक पता कहाँ कर रहे हैं, एक अंग्रेजी कहा बता रही है, पिंक फैमिली, ये तुम्हारे भी ताऊ लिख रहेंगे, D4 double, I4 income, N4 no kid, K4 kid, डिंक फैमिली को मतलब डबल इनकम नो किड्स, कोई बालक ना चाहिए हमें, इन्हें कदम भी ना चाहिए को, तुम्हें तो एक ही चाहिए हो, इन्हें एक भी ना चाहिए, तुम्हारा बन सकून चलावा को खत्म मामलो। और सुन ले, आज डिप्रेशन और तनाव और ये जो बीमारी बढ़ रही है, इनका मुख्य कारण यही है। अरे घर में समस्या हो, चार आदमी आपस में बैठ के बतरा लें, अरे भैया हमारे तो यू है गो, बहन जी यू है गो, कसते बतरावा गो, तू भी अकेलो, तेरे पड़ोसी भी अकेलो, जहाँ तू रह रहो, वो भी इंजीनियर, तू भी डॉक्टर, पुरसतिनों का ही तो बात करने को, तेरे बहू आनो, तेरे बहन, बता कसते बतरावे, है कोई दुखे बोट नहीं मारो, जो कहना भैया सुनो दुनिया में कोई है तुम्हारा भैया, क्यों तो तुम्हें तो अकेले चाहिए, अकेले होना चाहिए, शेर को बच्चा एक अच्छा पूछ कर देख, शेर का बच्चा का हालत मेरी, अब दुष्परिणाम आ रहे हैं और इतने भयानक आंगे, याद कर लीजिए बुजुर्गन की बात, अन्य पागल नोए जिनके जितने बालक रहे, जरूर तीन तीन चार चार बालक होने चाहिए, और लोग कहेंगे भैया बात पे कि जी फिर कमाने कौन थे आवागो, खाने कौन थे आवागो, ए भैया धरती कमी है क्या देश में, धरती कमी है, काबिल बना दे बालकन ने, काबिल सबसे बड़ी कमजोरी माँ बाप की यू है कि बालकन ने काबिल तो बना, मैंने जोर जोर के धरना चाहे उनको, भूखे मरेंगे वे, सीख लो इन मुसलमान भाई पे थे, कितने कितने बालक हैं ये भीख मांग रहे हैं, कोई पिंचर लगा रहा हो, कोई साइकिल चला रहा हो, या कोई जूस बेच रहा हो, कोई इंजीनियर बन रहा हो, कोई डॉक्टर बन रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, सब रे काम कर रहे हैं अपने में, वे ना कर रहे, वे कर सके तुम क्यों ना कर सको भाई, उनके चाचा भी है, ताऊ भी है, भाभी भी है, सब रिश्ता उनके अकलमंद आदमी बनने अपने निवारा के सगरे, तुम पे रिश्ता ही नहीं अपने एक एक बालक, अरे तुम्हारे तो कोई हिम्मत लेने वाला भी नहीं हो, तुम्हें कोई समझाने वाला ना, अगर रोगो होते मर जाए कोई तो तुम्हें तो उठाने वाला पैदा ना होगा, जो शहर में कौन आवेगा पड़ोसी, वो कहते मतलब ना रखे, कस पे फोन करोगे, कस तो कहेगी तुम्हारी घरवारी कि चाचा बुला लूँ, ताऊ बुला लूँ, भैया बुला लूँ, मौसा बुला लूँ, कौन आवेगा, है ही ना तुम्हारा कोई रिश्ता खत्म, ये पागल नो है बुजुर्ग, पागल नो है, ये जो रिश्ता बनाए, ये जो संबंध बनाए, जो परिवार का मतलब कहा, कुनबा का ही तक है, कुनबा वाक कहें जब समूह में लोग रहें, ज़्यादा मात्रा में लोग रहें, वही को परिवार कहें, परिवार थोड़ी है, यो पति पत्नी परिवार ना भाई साहब, परिवार वो भी चाचा भी है, ताऊ भी है, बुआ भी है, पिताजी भी है, माताजी भी, जब है परिवार, एकल परिवार ने रेड मार दिया आज, टेंशन में जीरो आदमी, या पैसा की दौड़ में BMW कार खरीद ले, हेलीकॉप्टर खरीद ले, रिश्ता ना खरीद कर दिखावा ना, चैन तो है ही ना, एक भी बात बुजुर्गन की ना गलत ही ना होगी कभी भी, और बता रहा हूं अपन ने, अगर समझ में आ जाता है कि मैं
आने वाले 10 साल के बाद मिलिट्री के लिए आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, चैलेंज के साथ कर रहा हूँ इस बात है। एक एक बालक तुम्हारा है, तुम अगर एक पैदा कर रहे हो, कोई डॉक्टर बनावे, कोई इंजीनियर बनावे, कहीं भेजोगे मिलिट्री में, कौन रक्षा करेगा देश की? और तुम्हारे से ही रह जाएंगे जो डिंक फैमिली की बात कर रहे, जो बालक ही पैदा ना करेंगे, डबल इनकम है, जाए नो किड्स, वह बालक नहीं जोड़ती ना, फिर कहा होगा? अरे कहा करोगे भाई पैसा आया, चैन तुम्हें नहीं, नींद तुम्हें ना आ रही, परेशान तुम रहो, गोली ने तुम खा रहे, कहा करो यार, बैठ के खाओ ना सब में। अरे जब चाचा है, ताऊ है, भैया है, बहन है, ये रिश्ता कैसे बनाए? क्यों रक्षाबंधन मनाओ? भैया दिवस क्यों मनाइयो? यही मारा बनाइए जब ये है, बहन भी भैया भी। अब जब बहन न होते रक्षाबंधन तेरे काकों को, भाई भैया दिवस तेरी काक रहेगी, तेरी रहेगी बहन, ले घूम अपनी घर वाली अकेले, वो कस के डोर जाएगी, जीजा मिलेगा तो पोपा मिलेगा कोई बालक करना, चाचा मिलेगा, ताऊ मिलेगा, लाड़ मिलेगा, उन खेलने वाला करना, सगरे खत्म कर दिए। और ज्यादा कहा कहूँ, मेरी बात है नोटिस कर लीजिए, मैं अपनी तरफ से ना कह रहा हूँ, मैं उन विधवत लोगों की तरफ से कह रहा हूँ, पूर्वजन की तरफ से कह रहा हूँ, ना पढ़कर उन्हें समझ के कह रहा हूँ, अगर आज नहीं जागे आप लोग तो इतने पछताओगे, इतने पछताओगे कि जिंदगी में बहुत सुना होगा आप लोगों ने, आज कह रहा हूँ इस बात है, और 1000% नोटिस कर लीजिए मेरी बात, लिख लीजिए कागज में, इतने पछताओगे कि तुम्हारी कई पुस्त याद रखेंगे। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, परिवार बढ़ाओ, रिश्ते न बढ़ाओ, टेंशन भगाओ, स्वस्थ रहो, खूब कमाओ, बालकन ने काबिल बनाओ, काबिल खूब, तीन तीन चार चार काबिल रहे सबके पहले भी, खूब रहे खूब काबिल। ये शिक्षा नीति जब ते बदली रेड मार दिए, अरे ये देश में तो 10-10 बालक भी काई करे वे भी काबिल रहे, चले जाओ 200-300 साल 400 साल पीछे को, पढ़ लो इतिहास देश के। कह दी छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार दुखी परिवार, दुखी परिवार दुखी परिवार, देख लो अजमा के। और नहीं ऐसा करो, रिसर्च करके देख लो पूरे देश को, जो मेट्रो सिटीज में जो बालक रह रहे हैं, जो अकेले अकेले रह रहे हैं, जिनके संबंध ना हो कोई भी, संबंध का मतलब कोई रिश्ते ना हो, अकेले अकेले रहे, पूछ कर देखो बालक की हालत है, शराब का सहारा ले रहे बालक, जुआ का सहारा लेने लगे, बर्बाद है कि बालक, और जिम्मेदार है माँ बाप, जिनने सिर्फ यू सोची हम बहुत ब्रिलियंट है, एक ही पढ़ा लिखा के बाबूजी बना देंगे, पूछ कर देखो तुमने दियो कहा, सिर्फ पैसा, कागज का टुकड़ा, ये खुशी है क्या, ये प्रसन्नता आ क्या, कहा दियो दूर दियो, डिप्रेशन तनाव दे मार दिए बालक पूरी तरह से। लेकिन मैं उन युवाओं से आह्वान करना चाह रहा हूँ जो टिंक फैंगली के चक्कर में पड़ रहे हैं, जो आज की असोच में फंस गए कि बालक ने कौन पा रहा, एक ही बहुत है, कते गलती मत करी, अरे दो दो तीन तीन चार चार बालक पैदा करो, निपुर मनाओ, बुतेरी धरती पर या देश में बुतेरी रेंज की बहुत जगह है, और जो अकलमंद हो ना, जो बुद्धिमान हो, कहीं भी खाए कमा कहीं भी, और निठल्ले ना, निठल्ले तुम एक कर लो, जो 20 कर लो सब बेकार, काम के आदमी को कहीं कोई कमी ना हो कहीं भी, या धरती पे बुतेरी जगह है, अभी हम 100 करोड़ ना 500 करोड़ आदमी बस जाएगा, हम बुतेरे संसाधन है देश में, बुतेरे कोई कमी ना हो, अपनी जनसंख्या पर ध्यान करो, रिश्ते ने बचाओ, बुआ भी होनी चाहिए, चाची भी होनी चाहिए, ताई भी होनी चाहिए, भैया भी होना चाहिए, चाचा भी होना चाहिए, और जीजा और फूफा जब भी होंगे, जब बहन और भैया जरूर संग चलेंगे, जब दोनों पैदा होंगे, तो आओ अपनी फैमिली ने बढ़ा, मैं मेरी बात तो जो इत्तेफाक न रखते हो तो भी ज़रूर लिखें, और इत्तेफाक रखते हो वे भी बताऊँ, बात मैं गलत कह रहा हूँ विश्लेषण करके बताइए तो भी बताओ, और ठीक कह रहा हूँ तो भी बताओ।